गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। आप सब में से कईयों को उम्मीद थी कि 14 अप्रैल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्री बर्ड की तरह घूमेंगे, लेकिन वी शुडंट हैव टेकन सो मच एंथुसियाज्म फॉर इट। उम्मीद बहुत ज़्यादा रखी हमने। लॉकडाउन इज गोइंग टू कंटिन्यू, सो हमारे वीडियो लेक्चर्स भी कंटिन्यू रहेंगे बेटा। देर इज नो नीड टू वरी। सी, एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रिंग्स आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक्स की। रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक आपका ग्रामर का चल रहा है बेटा, और अभी तक उसके दो लेक्चर मैं प्रीवियसली कंडक्ट कर चुका हूँ, रिपोर्टेड स्पीच 1 एंड रिपोर्टिंग स्पीच 2। दोनों के अंदर आपको अलग अलग लेवल 1 और लेवल 2 के कॉन्वर्जेशन मैंने करवाए थे। आज लेवल 2 को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नींव डालेगा लेवल 3 के लिए। अगर आपका लेवल 2 अच्छे से क्लियर हो जाता है तो लेवल 3 में आपको आसानी होगी। एज यू ऑल नो, लेक्चर के साथ एक वर्कशीट भी अटैच होगी। उस वर्कशीट को आप डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, आज रात तक उसके डाउट्स अपने ग्रुप में डाल दीजिए, सो दैट कल रात तक मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। और ग्रुप में डालने का पर्पस आप समझिए बेटा, एक बच्चा अगर कोई डाउट प्रेजेंट करता है तो वो डाउट किसी और बच्चे का भी हो सकता है। आप अगर डाउट्स इंडिविजुअली पूछते तो मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन ग्रुप डाउट्स होते तो कॉमन डाउट्स की तरह हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर टॉपिक। तो लेवल 2 में हमने क्या सीखा? लेवल 2 में हमने सीखा कॉन्वर्सेशंस के अंदर क्या इंपैक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का। बेसिक कॉन्वर्सेशन से हमने शुरुआत की थी, आज हम उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप अपने टॉपिक के ऊपर, और अगर किसी बच्चे को याद नहीं है कि पिछले लेक्चर में क्या किया था, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी फॉर यू, यू ऑलरेडी हैव द लिंक ऑफ द लेक्चर 2, उसको एक बार फिर से देख लीजिए, आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपके पास प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक लेवल 2 को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं बेटा। Sagar said to Anita, "Hi, what are you doing here?" Anita said to Sagar, "I am waiting for my friends." Now इस conversation को हम solve करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं बेटा, एक expression है hi, hi हो या फिर hello, अपने में बोलते हैं जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, उसी तरह से इंग्लिश में होता है hi या फिर hello। तो इस expression के लिए जो शब्द यूज होता है वो है ग्रीटेड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है? सागर ग्रीटेड अनीता। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद उसने सवाल पूछा है, एंड आस्क्ड। बड़ा ऊपर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आपको याद होगा मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बाइफरकेशन करना सिखाया था, जनरल क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कैसे पता चला? आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। WH वर्ड से बना हुआ है और इसका आंसर आपको डिटेल में ही देना पड़ेगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर? अब पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर जनरल क्वेश्चन हो तो हम इफ यूज करते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वही का वही वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है क्वेश्चन का वो है व्हाट, आस्क्ड व्हाट। ये यू किसके लिए यूज हुआ बेटा? अनीता के लिए, दैट इज अ गर्ल, सो शी। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होती है, वाज, व्हाट शी वाज डूइंग हेयर का हो जाएगा देयर। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा,
पहले जो सैल्यूटेशन है हाय या हेलो उसके लिए एक्सप्रेशन यूज होता है ग्रीटेड. सो सागर ग्रीटेड अनीता एंड आस्क, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है सो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, यू आगे आ जाएगा व्हाट शी वाज डूइंग देयर. अब अनीता ने उसका रिप्लाई दिया है. टू दिस अनीता रिप्लाइड दैट शी पास्टर जाएगा बेटा वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स, क्योंकि वो लड़की है ना बेटा. सो यहां पे हर यूज होगा. ध्यान से देखिएगा टू दिस लिखने का भी जो पर्पज क्या. कई सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि टू दिस क्यों लिखा. आप जब भी हिंदी में बात करते हैं तो आपको सुनने को मिलता है इसके जवाब में इंग्लिश में उसके लिए लिखा गया टू दिस. टू दिस अनीता रिप्लाइड जवाब दिया दैट she was waiting for her friends. Okay? समझ में आ गया बेटा. So students, जैसे कि आपने इस पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमने expressions को डील करना सीखा, आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और एग्जाम्पल आपको मैं करवाता हूं. सुहासी सेड टू प्रथम, यू आर लुकिंग रियली नाइस टुडे. ओके, ध्यान से देखिएगा. सुहासी सेड टू प्रथम, यू आर लुकिंग रियली नाइस टुडे. प्रथम सेड टू सुहासी, थैंक यू, आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव मायसेल्फ अ बिट. मैं अपने आप को थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं. बच्चा लोग, पहले लेक्चर में आपको अगर याद हो मैंने एक टॉपिक रेज किया था, दैट वॉज अबाउट एक्सप्रेशंस. हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी कई सारी फीलिंग्स होती हैं. जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसमें कई सारी फीलिंग्स हैं. जैसे थैंक यू, ये ग्रेटिट्यूड दिखाता है. जब कोई किसी को कहता है तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो तो वो एप्रिसिएशन या प्रेजिंग दिखाता है. समझे बेटा, जैसे हाय का हमने ग्रीटेड किया, यस का हमने पॉजिटिवली किया, नो का हमने नेगेटिवली किया. ये छोटी छोटी चीजें अगर आप पकड़ने में कामयाब हो गए, जब सॉरी शब्द पड़े तो अपॉलॉजी नजर आएगा. मैं आज उसका चार्ट आपको इस एग्जाम्पल के बाद दे रहा हूं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. ये छोटी छोटी चीजें अगर आप पिक करना शुरू करेंगे ना बेटा, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. और इंग्लिश में कहावत है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज द लिटिल एक्स्ट्रा. आपको 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है या उसी 4 मार्क के क्वेश्चन में से 4 में से 4 हासिल करना है, ये आप पे निर्भर करेगा. अगर आप एक मॉडरेट एवरेज स्टूडेंट की तरह लिखेंगे तो आपको 4 में से 3 मार्क्स मिलेंगे. लेकिन अगर आप एक स्पेक्टेकुलर स्टूडेंट की तरह दिखेंगे, एक एक चीज को ध्यान रखेंगे, तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे. मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चा रिपोर्टेड स्पीच में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सुहासी, अब ध्यान से देखिएगा, आप किसी के लुक्स की तारीफ कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा आप या तो एप्रिशिएटेड कह सकते हैं या तो प्रेज्ड कह सकते हैं. ओके, सुहासी प्रेज्ड प्रथम एंड टोल्ड दैट यू आर लुकिंग रियली नाइस टुडे का ही वॉज
लुकिंग रियली नाइस दैट डे. टुडे का हो गया दैट डे, ये हमने पहले दिन पे ही सीख लिया था. सो आई डोंट थिंक एनीवन विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. सो हसी प्रेज्ड प्रथम एंड टोल्ड दैट ही वाज लुकिंग रियली नाइस दैट डे. अब प्रथम ने उसका जवाब दिया है. ओके टू दिस प्रथम थैंक यू का हुआ थैंक सुहासी एंड टोल्ड दैट आई एम का हो जाएगा ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ अ बिट. तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. सुहासी सेड टू प्रथम यू आर लुकिंग रियली नाइस टुडे. तो इसका सॉल्यूशन क्या किया, सुहासी प्रेज्ड प्रथम एंड टोल्ड दैट ही वाज लुकिंग रियली नाइस दैट डे. उसके बाद प्रथम ने जवाब दिया है. सो टू दिस प्रथम थैंक सुहासी, थैंक यू बोला ना बेटा, तो उसका हुआ थैंक सुहासी एंड टोल्ड दैट ही वाज ट्राइंग टू इंप्रूव हिमसेल्फ अ बिट. आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव मायसेल्फ अ बिट का पास्ट टेंस में कन्वर्जन हुआ. स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, आप कितना भी बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करिए उसको सिंगल सिंगल सेंटेंस के लेवल पे ही सॉल्व करिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. यू विल बी वेरी कंफर्टेबल बेटा. आई एम गिविंग यू 10 सेकंड सॉल्व ताकि आप इसको कॉपी कर सकें. मैं इसका फोटो भी ग्रुप में अपलोड करूंगा. सो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. जैसे अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूं एक्सप्रेशंस का ताकि आपको आसानी हो जाए कौन सा वर्ड क्या इंडिकेट करेगा. जैसे अगर आप किसी सेंटेंस में वर्ड देखते हैं प्लीज, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक रिक्वेस्ट. प्लीज क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिक्वेस्ट. अगर आप देखते हैं वर्ड मस्ट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर. उसी तरह से अगर आप देखते हैं वर्ड शुड, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड्स एडवाइस या सजेशन. आप बोल रहे हैं सर एडवाइस और सजेशन तो एक ही होता है. नहीं बेटा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. आपको एक सेकंड के अंदर ही समझा देता हूं दोनों में क्या अंतर है. खुद से भी सोचिएगा और किसी से पूछिएगा भी, ये एक फनी ट्रिक बनेगी आपके लिए. एडवाइस का मतलब होता है जब आप किसी से पूछने जाए कि मैं क्या करूं और वो आपको सलाह दे, जबकि सजेशन बिना मांगे मिलते हैं. इसीलिए इंग्लिश के शब्द एडवाइस को हिंदी में सलाह और सजेशन को सुझाव कहा जाता है. समझे बेटा, ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है एडवाइस और सजेशन का. एडवाइस हमेशा मांगने पर मिलती है, सजेशन लोग अपने मन से दे दिया करते हैं. उसी तरह से अगर आप शब्द देखें सॉरी, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है अपोलोजाइज यानी माफी मांगी. सॉरी या एक और शब्द है बेटा पार्डन. ये दो शब्दों का अगर इस्तेमाल हो दोनों में से कोई भी हो पार्डन या सॉरी, तो आपके लिए एक्सप्रेशन होगा अपोलोजाइज. उसी तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब यस हो तो आपको कहना है पॉजिटिवली, अगर नो हो तो नेगेटिवली. समझे बेटा, ये सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं जो आपको बहुत समझाते हैं, क्लियर करते हैं लोगों को. तो अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे आपको दिक्कत कम होगी, प्लस मार्क्स बढ़ते हैं बेटा.
एक और आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस की थीम पकड़ने की कोशिश करिए। कभी कभी छोटी छोटी बारीक चीजें काम में आ जाती है। जैसे आप हर बार टोल्ड यूज करें उसके बजाय अगर आपको पता चलता है तो आप इन्फॉर्म्ड यूज कर सकते हो। आज उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। कई बार हम जानकारी दे रहे होते हैं तो आप इन्फॉर्म्ड यूज कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है बेटा, सो ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं इन्हीं से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स आगे करवा रहा हूं। तो जिन एग्जाम्पल्स के बारे में जस्ट अभी मैं बात कर रहा था उसी से रिलेटेड, जो एक्सप्रेशन मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया बेटा, उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल आप लोगों को करवा रहा हूं। करण सेड टू श्वेता, प्लीज pay my bill, please pay my bill। अब उसका श्वेता रिप्लाई दे रही है, करण सेड टू श्वेता प्लीज पे माय बिल, श्वेता सेड टू करण आई एम सॉरी आई डोंट हैव दैट मच मनी। अब आप ध्यान से देखें तो इसी एक सिंगल एग्जांपल में हमने प्लीज भी कवर किया है, सॉरी भी कवर किया है। ये चीजें आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगी क्योंकि ये रियल लाइफ का हिस्सा है। रिपोर्टेड स्पीच के कॉन्वर्सेशन जो भी होंगे बेटा वो हमारी जिंदगी के हिस्से की तरह ही होंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे वर्ड है प्लीज, मैंने आपको पिछले ही टेबल में समझाया था प्लीज वर्ड रिप्रेजेंट करता है रिक्वेस्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करण, अब यहां पे वैसे तो आप टोल्ड लिख देते लेकिन एक्सप्रेशन क्या है, रिक्वेस्ट। सो करण रिक्वेस्टेड श्वेता, अब जब भी रिक्वेस्ट होगी ना बेटा तो यहां पे रिक्वेस्ट में दैट या इफ का इस्तेमाल नहीं यूज होते हैं। टू, करण रिक्वेस्टेड श्वेता टू पे हिज बिल, ठीक है, करण रिक्वेस्टेड श्वेता टू पे हिज बिल। अब श्वेता ने तो क्या कर दिया बेटा, उसने माफी मांग ली, उसके पास पैसे ही नहीं है। सो टू दिस श्वेता apologized and told that, देखिए यहां पर told क्यों है, क्योंकि दो sentence है। पहला sentence माफी मांग रहा है I'm sorry, उसके बाद दूसरा sentence है I don't have that much money। अब आइए इसको हम transform करते हैं reported speech में। To this Shweta apologized and told that she, ये I जो हुआ है बेटा use, ये श्वेता के लिए वो गर्ल है। सो शी, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा बेटा पास्ट टेंस में होती है। रात को 2 बजे कोई नींद से जगाए ना तो भी यही बोलना, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होती है। ये जो शब्द है डोंट, इसका बन जाएगा डिंट, शी डिंट हैव दैट मच मनी। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी के दिमाग में शायद आ सकती है कि ये हैव का हेड क्यों नहीं हुआ। याद रखिएगा पिछले लेक्चर्स में भी मैं ये जानकारी दे चुका हूं, डबल पास्ट टेंस कभी भी नहीं करना होता है। तो आपने एक बार अगर डोंट का डिंट कर दिया तो हैव का हैव ही रहेगा, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। करण सेड टू श्वेता प्लीज पे माय बिल, तो उसका हमने सॉल्यूशन क्या रखा, करण प्लीज का एक्सप्रेशन है रिक्वेस्टेड, श्वेता टू पे हिज बिल। उसके बाद श्वेता ने क्या जवाब दिया, आई एम सॉरी आई डोंट हैव दैट मच मनी। टू दिस श्वेता अपोलोजाइज,
सॉरी का हमने एक्सप्रेशन रखा अपोलोजाइज एंड टोल्ड दैट शी डिडंट हैव दैट मच मनी. स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करते हैं समझते हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो भी हमने सिखाया है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. इसकी वर्कशीट आज आपके लिए भेज दी जाएगी. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेवल 3 शुरू करने जा रहा हूँ. एक एक लेक्चर में था बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें. और मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि जब भी ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं, चाहे फिर आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं, हैंड्स फ्री या ईयरफोन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करिए ताकि आप लोगों को ऑडियो क्लैरिटी अच्छी मिले प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे. कोरोना वायरस के चलते हमारे वीडियो लेक्चर्स आप सब तक घर पे पहुंच रहे हैं. प्रयत्न एजुकेशन एंड SPGT आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर वर्क. आज के लेक्चर के रिलेटेड आपके अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं. ग्रुप डाउट्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके जो भी डाउट्स हो वो ग्रुप पे डाल दीजिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे. स्टे होम, स्टे हेल्दी.